गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल एंटरटेनमेंट लवर्स ब्लॉग। एंड मैं हूं बिभू। एंड मैं हूं लिप्सा। यस। और आज है जनवरी 26 यानी कि रिपब्लिक डे। यस, सो ये वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे फॉर टू एवरीवन। यस, तो अभी फिलहाल मॉर्निंग है और अभी हम ब्रेकफास्ट करने के लिए आए हैं और हम हैं अभी कुर्ले बीच में, बिल्कुल नजारा सी साइड है ये, बिल्कुल right. तो आगे समंदर है और हम यहाँ पर बैठे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। yes. काफ़ी खूबसूरत जगह है और ये ब्लॉग तो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा ही होगा हमारे चैनल में, तो आज का प्लान व्यू बताएंगे। यस yes. तो आज का जो प्लान है हम लोग का, हम लोग रहते हैं कुडले बीच में और कुडले बीच से हम लोग का आज जो डेस्टिनेशन रहेगा वो फर्स्ट है हम लोग का याना केव्स। yes. तो लेट्स सी, हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने आए हैं और बस ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद हम लोग जाएंगे। यस yes, हमको 2 आवर्स लगेगा याना केव जाने के लिए। और yes. याना केव अगर आप प्लान करते हो, पास में ही विभूति फॉल है और मिर्ज़ा फोर्ट है, तो इसीलिए आप एटेड वन सिंगल डे में आप तीनों प्लान कर सकते हो। right. सो जो नए हैं हमारे चैनल में, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज एंड कीप वॉचिंग सेट स्टे ट्यून कीप सपोर्टिंग टू अस एंड टू एंटरटेनमेंट लवर्स ब्लॉग। ये हमारा आ गया ब्रेकफास्ट और ये है आलू पराठा yes, के लिए और मेरा है पूरी सब्जी, पूरी और सब्जी। और ये हो गया हमारा जिंजर टी के साथ। अच्छा, कुछ ये करी, आलू करी है। आलू करी है। अच्छा, ये आलू करी एक है, आलू का फ्राई टाइप है और एक करी है, पराठा पिकल एंड यस। और ये है चाय। सो चीयर्स टू कुडले बीच। फिलहाल ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, काफ़ी टेस्टी वाला ब्रेकफास्ट था, परोठा और पूरी। तो अभी फिलहाल हम चलेंगे कार पार्किंग के ओर और कार लेके हमको जाना है याना केव। तो चलिए गाइस, देखते रहिए, मैं आपको बताती हूँ याना केव पहुँचने के रास्ता में क्या है याना केव और किस लिए वो फेमस है और कितना टाइम हमको लगता है। अभी हुआ है 12 o'clock, तो कब तक हम पहुँचते हैं वो सारा डिटेल मैं आपको बताती हूँ और आप हमारे चैनल में बनाए रहिए ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा याना केव के बारे में। सो कीप वॉचिंग गाइस, स्टे ट्यून्ड। कुन्नू को वो केव के बारे में बहुत अच्छा स्टोरी है, कुन्नू आपको उधर ही बताएगी आपको क्या हुआ था, क्यों उसका नाम याना केव है और क्या खासियत है उसका। याना केव का स्टोरी याना केव जाके हम सुनते हैं। यस, मैं आपको सुनाऊंगी। So,
ये हम पहुंच गए हैं याना केव्स। सो यहाँ से हमको ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा आई थिंक। देखते हैं आगे कैसा है और किसे जाना है। ये पार्किंग है। सो गाइस दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन पार्क योर व्हीकल। सो दिस इज इवन द वन टाइप ऑफ पिकनिक प्लेस बिकॉज देखो बस पे भी लोग आके यहाँ पे खाना बना के खा रहे हैं। तो यही प्लेस है जहाँ पे हम लोग पार्क कर सकते हैं हमारा व्हीकल और यहाँ से डायरेक्ट आगे जाएगा। ये जो ट्रैक करने के लिए कुछ रास्ता है ये जाता है याना केव्स को। सो लेट्स गो, हम लोग जाएंगे आगे आगे और देखते हैं कैसा है। दिस इज द वे हम लोग अभी जा रहे हैं याना केव्स के तरफ। हम एंट्री कर रहे हैं अभी, यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होता है और हमको 2 किलोमीटर अभी आगे जाना है। यस, तो चलिए चलते हैं, कितना टाइम लगेगा देखेंगे अभी ऊपर जाने के बाद। yes. और तब तक सुनते हैं याना केव की माइथोलॉजिकल स्टोरी, क्या हुआ था और क्यों इसको याना केव बोलते हैं और इसके पीछे का क्या स्टोरी है। तो यहाँ पर याना केव जाने की जो ये रूट ट्रैकिंग रास्ता है, तो यहाँ से साइड में आपको ऐसे चेयर्स लगा हुआ आप देख सकते हो। तो आप बीच बीच में अगर आपको थकान महसूस हो रही है थोड़ा सा बैठ के रेस्ट करके, और ये झरना का आवाज़ आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत साउंड आ रहा है, बहुत शांत लग रहा है, क्वाइट शांत, पूरा आराम से आप जा सकते हो। दोनों बंदे आ रहे थे, हम लोग उनसे पूछे कि जस्ट टू चेक कितना दूर है, तो वो लोग तो हम लोग को डरा ही दिए। मैं भी उतना दूर हो रहा होगा तो हम लोग को ऑलमोस्ट बोले कि ये तो आपका शुरुआत है और आगे बहुत सारे जगह है। तो लेट्स सी, तो उन्होंने बोला कि 1 किलोमीटर चल के जाना है, उसके बाद मोर देन 300 स्टेप्स है। yes. तो नियरली मे बी 330-350। सो कुछ नहीं कर सकते, आराम से व्यू एंजॉय करके चलिए आगे चलते हैं। और हमको सीढ़ियों से जाना है। yes. तो वो चलते हैं। Let's go. चलो come on. महागणपति टेम्पल, यहाँ पे एक छोटा सा गणपति जी का टेम्पल और एक एंट्रेंस में भी आगे हमको शिव जी का भी टेम्पल मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि ना शिव जी ने ही भस्मासुर को वरदान दिया था। तो बातें करेंगे आगे, चलते रहिए अभी। शिवजी का टेम्पल है, तो यहाँ से नीचे रास्ता है याना केव के अंदर जाने के लिए। सो गाइस चलिए चलते हैं।
चलते अभी हम सुनते हैं माइथोलॉजिकल जो स्टोरी है याना केव के ऊपर। अगर आप यूट्यूब में या फिर गूगल करोगे तो ये अपडेट आपको मिल जाएगा। एक्चुअली क्या हुआ था पूरा, जब महादेव ने भस्मासुर को एक वरदान दिया था, कि क्योंकि ना भस्मासुर ऐसे थे कि वो अपनी तप के वजह से एक वरदान पूछे शिव जी को, और उन्होंने मांगा कि मैं किसी के सर पर हाथ रखता हूँ तो वो भस्म हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान शिव ने भस्मासुर से खुश होकर उनको वरदान दे दिया। फिर जो असुर होता है उनका आतंक मचने लगा, फिर वो सोचा कि एक दिन कि भगवान महादेव को ही भस्म कर देता हूँ। तो इसीलिए क्योंकि ना अगर वरदान मिला है वो किसी को भी छुएगा तो वो भस्म हो जाएगा। तो इसीलिए भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण करके फिर ये विश्व में आए, और वो एक खूबसूरत महिला के रूप में आए थे जिनका नाम था मोहिनी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, भस्मासुर जब मोहिनी को देखे तो उनको मोहिनी से प्यार हो गया। और भस्मासुर कैसा था, जो भी खूबसूरत चीज़ है वो मेरा होना चाहिए, तो इसीलिए वो मोहिनी को शादी करने के लिए प्रपोज़ किया। तब भवी भगवान नारायण थे, वो अपनी ही बुद्धि में लगा के वो बोले ठीक है मैं आपसे शादी करने के लिए रेडी हूँ, बट मेरा एक शर्त है। तो शर्त क्या था कि अगर आप मुझे शादी करोगे तो, मोहिनी बहुत अच्छी डांसर थी तो उनको बोले कि अगर आप मेरे जैसे डांस कर रहे हो वैसा नृत्य अगर आप कर लेते हो तब मैं आपसे शादी कर लूंगी। तो भीष्मासुर सोचा मैं क्यों नहीं कर सकता, तो उन्होंने वो लोग तो नॉर्मली थोड़ा इगोइस्टिक घमंड रहता है और अपना पावर का जो अहंकार भर के रहता है वो होता है। तो मोहिनी के ऐसे चालाक को वो भस्मासुर रेडी हो गए कि अच्छा ठीक है तो मैं रेडी हूँ आपको डांस करके दिखाने के लिए। तो फिर दोनों डांस करने लगे। डांस के एक नहीं, नॉर्मली मतलब क्या है आप कैसे डांस कर तो आई डोंट नो कैसे सर पे। हाँ हाँ, एग्जाम्पल अगर आप कोई भी नृत्य करते हैं तो वो उन्होंने भगवान ने ना ऐसे करके कोई स्टेप किया होगा, ऐसे सर के ऊपर हाथ आ गया। अब डांस करते हैं तो कोई भी मूवमेंट हो सकता है हमारा। सो वो हिस्ट्री में जो भी है पुराने जमाने में जो भी हुआ था, तो ऐसे भगवान मोहिनी ने नृत्य करते करते भस्मासुर को, क्योंकि आपने डांस करके मोहिनी अगर मोहिनी ऐसे वो फॉलो कर रहा था भस्मासुर मोहिनी को फॉलो कर रहे थे। वो बोले ना कि जैसे मैं करता हूँ आपको करना पड़ेगा, एग्जैक्टली आप जब कर लोगे तब मैं शादी कर लूंगी। तो वो डांस करते करते मोहिनी उनको ऐसे सर पे हाथ रख लिया, क्योंकि उसको भस्मासुर तो पहले से उसको पता है कि अगर वो खुद रख लेगा तो वो भी भस्म हो जाएगा। तो इन्होंने मतलब अभी देखो एक खूबसूरत लड़की है आगे और वो डांस कर रही है, उनको शादी करने का जुनून था, तो ऐसे में एब्सेंट माइंड हो गए, उन्होंने सर पे हाथ रख लिया, तो उसके बाद भस्मासुर खुद भस्म हो गया। तो उसके बाद ये शिला बना है जो भस्म हुआ है, भस्म से ये शिला बना है, इसका नाम है एक है भैरव शिखर और एक है मोहिनी शिखर। हाँ, इसके अंदर हम जाएंगे, इसके अंदर होते हुए हमको बाहर अंदर जाएंगे। तो आई होप गाइस आपको स्टोरी अच्छा हुआ होगा। डेफिनेटली मुझे तो अच्छा लगा एंड व्यूअर्स को डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और ये स्टोरी नहीं है, मनगढ़ंत कहानी नहीं है, जो पुराने जमाने में हुआ था भगवान की ये कथा है। भगवान विष्णु जी का बहुत सारे रूप है, उसमें से ये एक रूप है मोहिनी का अवतार। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे डाउन, ये है एग्जिट। आप क्या करेंगे जब भी आ रहे हैं याना केव्स, तो आपको एंट्रेंस मंदिर रहेगा, मंदिर के साइड से आप ऐसा ट्रेक करके करते करते केव्स के अंदर जाके फिर ये बैक साइड से आप आएंगे। हाँ, यहाँ से केव के अंदर ज़्यादा बड़ा रास्ता नहीं है। तो आप अंदर से जाके यहाँ पर एग्जिट होता है, यहाँ पर एग्जिट, और यहाँ से थोड़ा सीढ़ी होके आपको नीचे जाना है। यस।
और दुख की बात ये बोलना पड़ रहा है कि यहाँ पे मुझे GPS सिग्नल नहीं मिला, जिसलिए मैं इसका ड्रोन व्यू नहीं ले पाया। बहुत देर, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स और हो गया है मैं ट्राई किया कर रहा हूँ। मुझे शायद ऐसे भी प्रे किया, ये भगवान थोड़ा मिल जाए तो ये व्यू मैं ले सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं ले पाया। बट फिर भी मैं कैमरा में जितना है मैं कवर कर लिया हूँ। तो अभी आएंगे तो ये बहुत मज़ेदार जगह है, आप घूम सकते हैं। और ड्रोन शॉट तो हम नहीं ले पाए, तो सोचा थे कि कोशिश किए बट नहीं हो पाया, तो कोई बात नहीं। जितना अभी शूट हुआ है ऑलमोस्ट जो भी है इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगा, और एन्ना कैब क्या है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और जो ब्यूटीफुल व्यूज आप देखने के लिए पाओगे। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट करके पूछ सकते हो। और हमारा सफ़र यहाँ पर ख़त्म होता है, और काफ़ी खूबसूरत सफ़र था। डेंस फॉरेस्ट में होते हुए हम एन्ना कैब में पहुंचे, और कैब बहुत ही अंदर, जितना भी धूप था वो थकान था सब चला गया। अभी सनसेट होने को है, 5 o'clock हो गया है। राइट। और इतना भी हम लोग का जो आज प्लान था कि विभूति फॉल्स एंड मिर्ज़ा फोर्ट जाने के लिए, तो सीन ये हुआ कि ये इतना अच्छा प्लेस है जो कि हम लोग ने रास्ते पे रुक रुक के ऐसा आए, तो इसलिए थोड़ा टाइम नहीं हुआ। बट फिर भी बहुत अमेजिंग प्लेस गाइस, आप लोग बिंदास आ सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए आज का सफ़र यहाँ ख़त्म करते हैं, और अभी हम चल रहे हैं वापस। तो अभी जो जो हमारे चैनल में न्यू सब्सक्राइबर है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और जो अभी नए हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा, और आगे भी बहुत सारा ब्लॉग अपडेट होने वाला है गाइस। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विथ एंटरटेनमेंट लवर्स ब्लॉग। सो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।